अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी रेसिपी है स्प्रिंग रोल्स। ये बहुत यूनिक और डिफरेंट रेसिपी है। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम चिकन का कीमा, 1 कप चॉप्ड कैबेज, चॉप्ड कैरेट 1 कप, 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा चॉप्ड गार्लिक और 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा चॉप्ड अनियन। मसालों में मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, सॉल्ट 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक। क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। सोया सॉस 1 टीस्पून, वाइट विनेगर 1 टीस्पून। इन सब इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इन्हें 10 मिनट के लिए साइड पर रख दूँगी। रोल्स बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है रोल्स की पट्टी। अब मैं आपको उसकी फिलिंग करना बता दूँगी। यहाँ मैंने रोल्स की पट्टी में तकरीबन 1 टेबलस्पून चिकन के कीमे का मटेरियल डाल दिया है। मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। इसके एजेस पे भी मैंने मैदे की पेस्ट लगा दी है और इन एजेस को फोल्ड कर दिया है। इसको कवर करने के लिए मैंने मैदे की पेस्ट अच्छी तरह से लगा दी है। इसे मैं अच्छे तरीके से फोल्ड कर लूँगी इस तरह से। यहाँ मैं आपको एक और स्प्रिंग रोल बना के दिखाऊंगी कि इसको किस तरह से फोल्ड करना है। इन स्प्रिंग रोल्स को आपने बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में फ्राई नहीं करना, इनको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करें। मैंने इन स्प्रिंग रोल्स को मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट तक फ्राई किया है ताकि चिकन का कीमा अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि मज़ेदार स्प्रिंग रोल्स बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मेरे वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।